कोई भी अगर एसिड होता है तो इसमें ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि वो जब भी टूटेगा तो वो क्या देगा, H प्लस आयन देगा। तो तुम लोग जब पढ़ रहा था एसिड बेसिस सॉल्ट तो तुम लोग को एक चीज आया था टर्म बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस। एसिड का हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, बेसिसिटी देखते हैं, ये बात याद होगा तुम लोग को। एसिड का हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, बेसिसिटी देखते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे भैया HCl पड़े, हम लोग HCl टूटा तो H प्लस आयन निकाला, ठीक है, और क्लोराइड आयन निकाला, हमको कोई मतलब नहीं है क्लोराइड से, हमको मतलब किससे, H प्लस से। व्हेन H प्लस इज एडेड टू वाटर ये क्या दे देता है भैया, हाइड्रोनियम आयन दे देता है, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए एक एसिड है। तो भैया यहाँ पे कितना H प्लस आयन निकाला, ये एक एच प्लस आयन निकाला, कितना एच प्लस आयन निकाला, एक एच प्लस। तो एक एच प्लस आयन निकाला, इसीलिए इसका बेसिसिटी जो होगा वो एक हो जाएगा, और हम लोग इसको कैसा एसिड बुलाएंगे, मोनोबेसिक बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, मोनोबेसिक। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखेगा, क्योंकि इसका एक एच प्लस आ रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, मोनोबेसिक बुलाएंगे। ओके, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या चीज का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर बात करें तो ध्यान से सब बच्चा देखो, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो टूटता है भैया कितना H प्लस आयन देता है। तो यहाँ पे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले जो तुमको रिएक्शन में हेल्प करने वाला है, वो क्या है वो चलो देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा, तो तुमको रिएक्शन में बहुत काम देगा। क्या पॉइंट है भैया ये ऐसा, तो देख सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक स्टेप में नहीं टूटता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है भैया वो क्या होता है, दो स्टेप में टूटता है। कैसे, यहाँ पे देखिए भैया H2SO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये देता है H प्लस और HSO4 1 माइनस, ये क्या देता है, H प्लस और HSO4 1 माइनस। फिर भैया दूसरे स्टेप में HSO4 1 माइनस को क्या करते हैं, हम वापिस से क्या करते हैं, डिसोसिएट करवाते हैं, तब वापिस ये क्या देता है, H प्लस और SO4 2 माइनस। तो अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे तो भैया ये एक स्टेप में नहीं, दो स्टेप में टूटा, कितने स्टेप में टूटा, दो स्टेप में। दूसरा चीज बताओ इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा भैया, ये HSO4 ये HSO4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया H2SO4, और यहाँ पे कितना आ गया भैया H प्लस और H प्लस कितना हो गया, 2H प्लस हो गया, H प्लस कितना हो गया, 2H प्लस, और यहाँ पे क्या उतर गया, SO4 2 माइनस। तो तुम लोग जो यहाँ पे देखते हो कि ये डाई बेसिक, अब देखो यहाँ पे कितना H प्लस आ रहा है, दो आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, डाई बेसिक। तो ये एक स्टेप में नहीं टूटा, ये दो स्टेप में टूटा है। अब डायरेक्ट अगर तुमको तोड़ना है तो सबसे खास बात क्या है, 200 डिग्री से कम टेम्परेचर देंगे तो ये ध्यान रखना क्या बनाता है, बाईसल्फेट बनाता है। तो ये ध्यान रखना, ये सॉल्ट जो बनाएगा 200 डिग्री के कम, कौन सा सल्फेट बनाता है, बाईसल्फेट। लेकिन अगर भैया 200 डिग्री से ज्यादा देंगे तो ये क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाद में रिएक्शन में ये चीज आने वाला है। आज हम जो तुमको ये पढ़ाएंगे, ये चीज ध्यान रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा तो वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा 200 डिग्री से कम देंगे तो वो बाईसल्फेट बनाएगा, ओके, और 200 डिग्री से जब ज्यादा देंगे तो वो क्या चीज में टूटता है, सल्फेट में टूट जाता है। तो ये टेम्परेचर ध्यान रखना, और टेम्परेचर के बेसिस पे कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या देखोगे, 200 से ज्यादा देने पे क्या देता है, सल्फेट देता है, और 200 से कम देने पे बाईसल्फेट देता है, क्या देता है, बाईसल्फेट। तो बस यहाँ पे इतना सही बात लिखा है और कुछ भी नहीं है। तो देख ले H प्लस कितना H प्लस दे रहा है, 2H प्लस दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, और यहाँ पे ये क्या दे रहा है, सल्फेट। ये एक स्टेप में नहीं हुआ है भैया, ये कितने स्टेप में हुआ है, दो। तो अगर आगे से हम तुमसे पूछेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डाई बेसिक एसिड, बताओ क्यों, बिकॉज व्हेन इट डिसोसिएट इट गिव्स 2H प्लस आयन, ये क्या देता है, 2H प्लस आयन देता है। अब आ जाते बुक में, और दूसरा चीज है 200 डिग्री से कम देने पे भैया बाईसल्फेट बनाता है, 200 डिग्री से ज्यादा देने पे सल्फेट बनाता है। तो इस चीज को क्लियर रखना, और ये तुमको बहुत मदद करेगा आगे के रिएक्शंस में। तो देख सकता है सब बच्चा यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, देखते जाना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का पहला पेज, सल्फ्यूरिक एसिड एज एनए एसिड व्हेन डाइल्यूट, ठीक है। तो वो डाइल्यूट एसिड की तरह बिहेव जो कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या बताता है कि एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। भैया यहाँ पे एसिड इसलिए है क्योंकि जब टूटता है तो वो H प्लस आयन देता है, और ये H प्लस आयन भैया कंबाइन कर जाता है पानी के साथ, और पानी के साथ ये कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इसीलिए ये क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तुम लोग पूरा एसिड बेस सॉल्ट में यही पढ़े हो, यहाँ पे यही बात बताया और कुछ नहीं है। तो अब दूसरा बात यहाँ पे देखो, ये मार्क कर लो,
तुम लोग को आज हम एक रिएक्शन बताने वाले जो स्कूल में आने ही वाला है सारे स्कूल्स में, और तुम लोग के बुक में दिया हुआ होगा वो लास्ट रिएक्शन है इस पेज का थायोसल्फेट का। लेकिन ये जो पांच जो दिया है ये जनरल फॉर्म है, ये जो पांच दिया है ये क्या है जनरल फॉर्म। तुम लोग मेरा बस ध्यान से बात सुनना, तुम लोग रिएक्शन खुद से लिख सकोगे फिर। जैसे पहला क्या बोलता है, एक्टिव मेटल एक्सेप्ट लेड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है भैया क्या देता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब ये क्या हुआ, तुम लोग को ये हटा के हम अगर पढ़ाएं केमिकल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तुम लोग पढ़ा था क्या कि देख एक्टिव मेटल बोला ना भैया, एक एग्जांपल लेते जेडन का, ठीक है जेडन एक्टिव मेटल है, एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है ना के एन ए सी एम जी ए एल वही सब, तो एक्टिव मेटल वो हुआ के एन ए सी एम जी ए एल, ये जो सीरीज है इसको एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है और क्या चीज पे बेस्ड होता है रिएक्टिविटी पे। तो भैया जिंक को जब रिएक्ट करा रहे किसके साथ एसिड, कौन सा एसिड लिए HCl, एक एक बच्चा तुम लोग जानता होगा यहाँ पे ये क्या दे रहा है। भैया जिंक क्या करेगा हाइड्रोजन को लात मार देगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा लात मार देगा और उसका क्या करेगा जगह ले लेगा। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि भैया यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्या है हाइड्रोजन। कौन बच्चा बताएगा ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है याद आ गया होगा भैया यहाँ पे क्या हुआ जिंक हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया। तो तुमको ये चीज खाली देखना है कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या एक्टिविटी रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, एक्टिविटी सीरीज में आता है क्या, हाँ भैया आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो जिंक का एक एग्जाम्पल लिए और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो तुम लोग देख यहाँ पे तुम लोग को रटने का काम नहीं है, नीचे वाला दो रिएक्शन देख, इसी पे दो रिएक्शन है। तो तुम देख जिंक है और आयरन है, दोनों हाइड्रोजन के कहाँ आता है ऊपर आता है, तुम लोग को याद होगा सीरीज, नहीं है तो देख लो यहाँ पे और याद कर लो, अब तो याद हो जाना चाहिए, क्लास 8 का ही बच्चा बता देगा के एन ए सी एन जी ए एल जेड एन एफ ई एस एन पी बी एच सी यू ए जी ए यू पी टी ऐसे करके सीरीज होता है। तो देख यहाँ पे जिंक ये रहा आयरन ये रहा और हाइड्रोजन उसके नीचे है, मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे देख जिंक और आयरन दोनों उसके हाइड्रोजन के ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन को लात मारेगा और खुद उसका क्या करेगा जगह ले लेगा, एक बना लिया जिंक सल्फेट एक बना लिया आयरन सल्फेट और दोनों केस में कौन सा गैस निकल रहा है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, खत्म हो गया। और यहाँ लिख लो तो जरा सा वन और टू के यहाँ पे लिख डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ताकि बाद में पढ़ो, और एरो भी मार्क कर लो ताकि तुम लोग कभी भी पढ़ो तो तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं रहे, तुम फटाक से इसको याद कर सको, खत्म हो गया ये चीज। अब हम चलते हैं तुमको दूसरा तरह का रिएक्शन, छोड़ो सल्फ्यूरिक एसिड खाली केमिस्ट्री पढ़ो, यहाँ पे हमको बताओ एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है Salt and water देता है। तो भैया बेस कैसे पहचानेंगे, भैया बेस जो होता है वो चाहे तो ऑक्साइड्स होता है या क्या होता है हाइड्रोक्साइड्स होता है, चाहे तो वो ऑक्साइड्स होगा या क्या होगा हाइड्रोक्साइड्स, ये चीज ध्यान रखना। अगर कहीं भी तुमको ऑक्साइड दिख रहा है तो वो भी बेस है, वो भी क्या है बेस है। भैया जहाँ पे हाइड्रोक्साइड है वो भी बेस है, बस यही चीज है कि हाइड्रोक्साइड वाला जितना होता है वो क्या होता है अल्कलीज होता है, वो क्या होता है अल्कली, एंड सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। चलो साथ में एसिड बेसिस का रिवीजन भी हो रहा है, मेरे को बता तो जरा सा कौन सा वेन डायग्राम सही है, कौन सा वेन डायग्राम सही है बताना, बेस अल्कली अल्कली बेस, ए वाला सही है बी वाला सही है, ए ए बी। चलो हम चैट बॉक्स खोल रहे हैं आंसर उस पर रिप्लाई करना, ए की बी प्राइवेटली करना मेरे को हो जाएगा। अब इसके बाद देख तो ये क्यों बताए भैया आप यहाँ पे आके, तो इसलिए बताए कि आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है सॉल्ट एंड वाटर, इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, तो हमेशा यहाँ पे क्या बनाएंगे सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। अब तुम लोग को एक नया बात बताते जिसको भी पता नहीं आज तक सॉल्ट क्या होता है, तो हम तुम लोग को हमेशा बताए क्या जब मेटल के साथ क्या जुड़ा रहेगा क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट या कार्बोनेट, या क्या कार्बोनेट, मेटल के साथ अगर ये जुड़ा रहेगा ये भैया क्लोराइड सल्फेट कार्बोनेट या नाइट्रेट तो वो क्या हो जाता है वो सॉल्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है सॉल्ट।
तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का बात कर रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड से हमको कौन सा आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। तो बस तुमको क्या ढूंढना है, तुमको मेटल ढूंढना है, और सल्फेट तो सल्फ्यूरिक एसिड से मिल ही गया, तो मेटल को पकड़ो और सल्फेट के साथ जोड़ दो, तुम्हारा सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा। और पानी तो H2O होता ही है भैया हमेशा, तो तुमको खाली क्या करना है, मेटल के साथ सल्फेट जोड़ देना है। तो चलो यहाँ पे देखो, लिख भी लेना भी यहाँ पे क्या कि यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम लोग देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का कार्बोनेट के ऊपर तक का लिख ले यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भैया देखिए यहाँ पे लिख लिया सब बच्चा, यहाँ पे ऑक्साइड्स है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड। क्या देगा, सॉल्ट देगा भैया और वाटर देगा, क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। चलो बनाते हैं सॉल्ट। अब भैया आप लोग को बताएं कि सल्फेट के साथ जोड़ना है, तो देख ले सब बच्चा यहाँ पे क्या देखे भैया, वेट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये सोडियम है तो सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक है तो जिंक सल्फेट, लेड है तो कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, सबका देख सल्फेट बन के ये सॉल्ट तैयार है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम यही बात बताएं और कुछ भी नहीं, तो सिंपल सा चीज है। अगर रिएक्शन आ जाए कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये तो सबसे बच्चा वाला हो गया भैया, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर, खत्म कहानी। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब चलते हैं तीसरा वाला, कार्बोनेट। तुम लोग सब बच्चा पढ़ा है कि कभी भी कार्बोनेट टूटेगा तो क्या देगा, एक गैस देगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फेट टूटेगा तो कौन सा गैस देगा भैया, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह सल्फाइड टूटेगा तो क्या देगा, सल्फाइड टूटेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। उसी के बीच में हम और एक दो डाल रहे हैं, कार्बोनेट टूट के साथ बाइकार्बोनेट भी अगर टूटेगा तो वो भी क्या देगा, वो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बाइसल्फेट टूटेगा, बाइसल्फेट वो भी आपको क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। और सल्फाइड में तो H2S लिख ही दिए हैं, तो यहाँ पे तीन गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। How will you identify between these gases? कौन बच्चा मेरे को बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल टेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल टेस्ट क्या है बता? लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज करता है। और सल्फेट का एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन में चेंज कर देता है। वेरी गुड भैया, वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को, सुनो सब बच्चा क्या बोला ये भैया, यहाँ पे ये बोला K2Cr2O7, ये पेपर का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, बट इसको एसिडिफाई किया जाता है एसिड के साथ मिला के, भैया ये ऑरेंज कलर से किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में। लाइम वाटर को मिल्की में सल्फर डाइऑक्साइड भी चेंज करेगा भैया, तो इसके लिए एक अलग से टेस्ट बताइए। तो यही बताए, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज करेगा, चैप्टर के लास्ट में भी आएगा, अभी भी बता रहे। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट हुआ। और सब जानता है तुम लोग, सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल कौन देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, H2S जो है रॉटन एग स्मेल देता है। तो यहाँ पे हम पहले तो तुमको ये बता दिए कि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों गैस निकलेगा। और तीनों गैस को कैसे पहचानोगे वो बताएं, तो भूलना मत। अब आगे कभी भी हम बार बार बोल रहे हैं, अभी ऐसा पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों की, ये लास्ट टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे क्या बोलता है, तो कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड सबके साथ, एक और चीज इसका जनरल इक्वेशन बता देते, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, पहला सल्फर सल्फेट के साथ सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड, और लास्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन छूट गया है थायोसल्फेट का, मे भी नया बुक में नहीं डाला हो, थायोसल्फेट का भी एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर निकलता है, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं है, पुराना बुक में होगा या कॉन्साइज में भी होगा, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट था थायोसल्फेट का, वो भी करना पड़ेगा, हम भेज देंगे तुम लोग को। अब यहाँ पे तुम लोग देखो सब वैसे ही रिएक्शन कर रहा है, तो मेन चीज इसमें यही था, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्ट बताइए भैया,
तो बता दिए लाइम वाटर को मिल्की में चेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज टू ग्रीन चेंज करता है सल्फर डाइऑक्साइड, और भैया रॉटन एग स्मेल देता है कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारा इसका हम टेस्ट बताया और इसका इक्वेशन है देख सकता है, तो इनको याद कर लो, ये बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए, जितना जल्दी कर लेगा उतना जल्दी ज्यादा मार्क्स आएगा तुम लोग को। अब यहाँ पे आ गया वापिस से वही चीज कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसे डाइबेसिक एसिड, तुम लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी, तुम लोग देखो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डाइबेसिक एसिड, क्यों, क्योंकि भैया व्हेन इट डिसोसिएट इट गिव्स 2H+ आयन, क्योंकि 2H+ आयन दे रहा है ये क्या हो गया आपका डाइबेसिक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है क्या, देखिए भैया यहाँ पे सब बच्चा एक काम करो तो लिख लेना, तो एरो के ऊपर जो हम लिखवा रहे 200 डिग्री से कम 200 डिग्री से ज्यादा एरो के ऊपर लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए थोड़ा मोटा हो गया, तुम लोग एरो के ऊपर ही लिखना। अब एक खास बात देखो क्या, आपको हम बताए थे कि जब 200 डिग्री से कम होगा तो बाइसल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा बाइसल्फेट बनाएगा, 200 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा सल्फेट में टूट जाएगा, क्या चीज में टूट जाएगा सल्फेट में टूट जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, 200 डिग्री से कम पे बाइसल्फेट बना रहा है, 200 डिग्री से ज्यादा पे आपका सल्फेट बना रहा है। अंतर यहाँ पे देखिए भैया दोनों का दोनों सॉल्ट है, दोनों का दोनों क्या है सॉल्ट, लेकिन अंतर ये हो रहा है भैया एक बन जा रहा है आपका एसिडिक सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन आ रहा है और एक बन जा रहा है आपका नॉर्मल सॉल्ट, क्यों, क्योंकि भैया ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया है तो ये आपका नॉर्मल सॉल्ट बनाता है। कब होता है ऐसा, 200 डिग्री के ऊपर, जब 200 डिग्री के नीचे रहेगा तो वो कैसा सॉल्ट बनाएगा एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, कैसा सॉल्ट बनाएगा एसिडिक सॉल्ट, व्हाई भैया बिकॉज इट हैज नॉट बीन कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये पूरी तरीके से नहीं टूटा है इसलिए वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, लेकिन जब 200 डिग्री से ज्यादा देते हैं भैया वो पूरी तरीके से टूट जाता है, देयर बाय इट गिव्स अ नॉर्मल सॉल्ट, वो कैसा सॉल्ट देता है नॉर्मल सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछेगा ही पूछेगा, चलो देख लो यहाँ पे और अंडरलाइन करना तो जरा सा यहाँ पे इसके नीचे खाली हाइड्रोजन के नीचे ऐसे करके एच के नीचे बस छोटा सा मार्क कर ले, एच के नीचे बस छोटा सा मार्क कर ले, दैट इंडिकेट्स इट इज अ एसिडिक सॉल्ट, कैसा सॉल्ट है एसिडिक। नीचे वाला में देखो भैया यहाँ एच है ही नहीं, एच नहीं है तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, तो तुम लोग को ये पढ़ाया हुआ है, तो ये चीज तुम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था कि ऐसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है उसको एसिड सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें OH आयन पाया जाता है उसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं, जैसे सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, विच इज नॉट इन सिलेबस तो टेंशन मत ले इसका, और लास्ट है तुम्हारा क्या, तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट, भैया ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, व्हाई बिकॉज इट हैज बीन कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है टूट चुका है, तो पूरी तरीके से कब टूटेगा 200 डिग्री से ज्यादा पे, साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेट बनाता है, ये क्या बनाता है प्रेसिपिटेट, जो आगे चल के तुमको बताएंगे तब ध्यान देना तुमको जरा सा। अब इसके बाद देखो फिर क्या है, अब स्टार्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड नेचर बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देखते जाना क्या हो रहा है, हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं नॉन वोलेटाइल होता है ये, तो यहाँ पे तुम लोग देखो, तुम लोग जो पढ़े थे सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराए, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है सॉल्ट है, तो ये क्या दे रहा है भैया देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से तुमको क्लियरली करके ये बोलना चाहते हैं, 200 डिग्री से कम है ना यहाँ पे, तो ये कैसा सॉल्ट बनाएगा, ये भैया आपका एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। यही रिएक्शन अगर हम लिखते हैं ऐसे करके NaCl+H2SO4 और लिख देते क्या 200 डिग्री से ज्यादा, तब तुम क्या बनाता, तब तुम बनाता Na2SO4+H2O। ये कैसे बनाए भैया, Na का वैलेंसी प्लस सल्फेट का वैलेंसी 2-, ये इधर Na2SO4 बन गया, दोनों अपना पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं, Na जा रहा है सल्फेट के साथ, Na जा रहा है सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन जा रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, ये HCl बनाएगा, सॉरी H2O नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या हो गया HCl हो गया, ठीक है, तो देख लिया तुम लोग कैसे हुआ है डबल डिकम्पोजिशन, भैया दोनों अपना पार्टनर चेंज कर लिया, तो 200 डिग्री से ज्यादा होने पे नॉर्मल सॉल्ट, 200 डिग्री से कम होने पे
नीचे देख ले एसिडिक सॉल्ट, कैसा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो देख ले ये वाला रिएक्शन भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो ये तुम लोग को करना है, दोनों एक ही तरह का रिएक्शन है। और ये चीज ये नहीं कि अलग अलग रट रहा है, ये सब रिएक्शन को रटने का काम नहीं है, इसको समझने का काम है, खुद से तुम लोग बना सकते हो। भैया बस आप ये बताइए सल्फ्यूरिक एसिड 200 से ज्यादा दे रहे हैं टेम्परेचर पे कि कम दे रहे हैं, तो बोले कम दे रहे हैं, हाँ ठीक है, तो हम लोग को नॉर्मल सॉल्ट नहीं एसिडिक सॉल्ट बनाना पड़ेगा। हाँ तो बना दे एसिडिक सॉल्ट, कैसे बनाएंगे भैया, बाइसल्फेट बनेगा ना, HSO4 का 1 माइनस और ये प्लस, ये इधर क्या हो गया, NaHSO4 बन गया। देखिए कहानी खत्म। पोटेशियम का भी बैलेंसी 1 होता है तो वो KHSO4 बनाएगा, वो क्या बना लेगा, KHSO4 बनाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। बचा क्या, एसिड निकालना, एसिड निकाल दो। लेकिन क्या ये रिएक्शन में क्या सीखा, ये रिएक्शन में हम लोग ये सीखे कि फॉर अ वोलेटाइल एसिड, अगर हमको वोलेटाइल एसिड बनाना है हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको एक नॉन वोलेटाइल एसिड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखाना चाहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का नॉन वोलेटाइल नेचर, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही करके तुमको बोलेंगे ये रिएक्शन दे दिए और पूछेंगे बताओ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा नेचर बता रहा है, तो क्या लिख के आओगे, भैया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का नॉन वोलेटाइल नेचर बता रहा है। और तुम लोग ये रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हो, इसीलिए देखो यहाँ पे HCl बना रहे, नीचे में नाइट्रिक एसिड बना रहे। हम तुमको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बोले थे सल्फ्यूरिक एसिड जो है HCl भी बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना, नाइट्रिक एसिड भी बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। अब बात है भैया 200 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं ले रहे हो, इसलिए क्योंकि भैया 200 डिग्री ज्यादा तुम टेम्परेचर लेगा, मेरा काम था HCl निकालना, याद करो मेरा काम था HCl निकालना, तो 200 से कम में ही बन निकल गया है। 200 से ज्यादा देंगे तो कोई नया चीज नहीं बन के देगा, बल्कि मेरा फ्यूल वेस्टेज हो जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर जो है हम 200 के नीचे ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आने वाला है अभी नेक्स्ट पार्ट में, ये चीज ध्यान रखना, आने वाला क्या ये आ चुका ऑलरेडी पीछे, तुम लोग पढ़ा था फ्यूल इज वेस्टेड, वहां पे क्या हो जाता है हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट बन जाता है। अभी तो मेरे पास अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो पेज पलटा के तुमको नहीं दिखा सकते हैं, तुम लोग जाओ पीछे देखो, जब तुम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था या नाइट्रिक एसिड पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि 200 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा क्यों नहीं लेते हैं, और इवन टेस्ट में भी हम पूछे थे, तो क्या हुआ था भैया फ्यूल वेस्ट हो जाता है, सोडियम सल्फेट तुम्हारा जो है वो क्या करता है Na2SO4 हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट बना लेता है, इस पे चिपक जाता है, इसको रिमूव करना बहुत ही दिक्कत वाला बात है, याद करो ये सब तुम लोग पढ़ा था। तो यहाँ पे वही चीज है, तो अभी हम लोग डील कर रहे हैं खाली रिएक्शन से, गिव रीजनिंग भी हम साथ साथ बस तुमको बताते जा रहे हैं कि हाँ ये सब तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो देख ले यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा नेचर पढ़े, नॉन वोलेटाइल नेचर पढ़े। हम तुमको एकदम बार बार बोल रहे हैं, तुमको ये एग्जाम में आएगा ही आएगा ऐसे ही करके कि सल्फ्यूरिक एसिड का वोलेटाइल नेचर बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड का डिहाइड्रेटिंग नेचर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताओ, इसी तरीके से क्वेश्चन चाहे ये या पूछेगा यहाँ पे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा नेचर आ रहा है। पिछले 3-4 साल से सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक नेचर, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल नेचर, डिहाइड्रेटिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यही बताना। तो उसी के बेसिस पे ये सारा रिएक्शन है, देख सकता है तुम लोग। यहाँ तक आई होप सो किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोई भी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो तो तुरंत बोल देना मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग। तुम लोग ये यहाँ जैसे हम मार करते वैसे कर लिया करना, सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ रहे हैं भैया। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे, तो भैया अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पक्का वो क्या निकालेगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा और वो नेसेंट ऑक्सीजन किसी के साथ भी जुड़ के उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटा तुम लोग देखो यहाँ पे ये क्या निकाला, नेसेंट ऑक्सीजन निकाला। एंड व्हेन दिस ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इट गेट्स ऑक्सीडाइज। अब भैया ये क्या क्या चीज को ऑक्सीडाइज करता है, चलो वो देख लो तुम लोग। ये मेटल को करता है, नॉन मेटल को करता है, ऑर्गेनिक को करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को करता है। तो चलो इसके बेसिस पे एक एक करके हम लोग सबको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ मेटल, यानी विथ नॉन मेटल है। फिर से तुम लोग देखो यहाँ पे वही 3 मेटल आया, कौन कौन, CSP, हम अल्फाबेटिकली बताए थे और तुमको बोले थे मोबाइल नंबर की तरह याद कर। यहाँ पे CSP आ रहा है, उधर हम बताए थे CPS कर ले, उसको क्या कर ले, CPS, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या नंबरिंग कोई सेम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा पहले। तो इसको ऑक्सीडाइज करना हम लोग को, किसको, नॉन मेटल को। कौन कौन नॉन मेटल लेगा,
सल्फर लेंगे भैया, कार्बन लेंगे, फॉस्फोरस लेंगे, ठीक है, ले ले, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले ले। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन सा है वो बताते हैं तुम लोग को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, कोई बताएगा क्यों? अच्छा हम तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछते, देखना तुम लोग गलत करोगे। Cu+H2SO4 रिएक्ट जब करता है, ठीक है, ये क्या देता है? CuSO4+H2. और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा? CuSO4+H2SO4 रिएक्ट करता है तो क्या देता है? रिएक्शन नहीं होगा। वेरी गुड डेनियल, रिएक्शन नहीं होगा। भैया आप देखो, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, कैसे ये इसको लात मार के भगाएगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, रिएक्शन विल कम्स टू स्टॉप। ये रिएक्शन में सब बच्चा गलती करता है और ये रिएक्शन जानबूझ के डालता है, बोर्ड वाला, स्कूल वाला, सब जन। हम यहाँ पे लिखे हैं डाइल्यूट, ठीक है, देख जानबूझ के तुम लोग इस पे, हम बोले नहीं थे लेकिन लिख दिए थे ताकि तुम लोग फोकस करे कि नहीं पता चले, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कंसेंट्रेटेड। वही चीज बताना चाहते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर के साथ, बट व्हेन इट इज मेड कंसेंट्रेटेड वो रिएक्ट करता है और क्या देता है? सॉल्ट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देता है भैया? सॉल्ट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब बच्चा मार्क कर लो इसको, ये क्वेश्चन देख लेना तुम लोग को आएगा। कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन नहीं होता है भैया, लेकिन डाइल्यूट के साथ रिएक्शन होता है। और बाद में जाके ये पता चलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक टेस्ट ये भी है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन में चेंज करता है, उसी तरह एक टेस्ट ये भी है कि जब कॉपर के साथ भी रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस देता है? SO2 गैस देता है। और ये SO2 गैस जो है भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ऑरेंज से किसमें चेंज करेगा? ग्रीन कलर में चेंज करेगा। तो आप लोग सब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यही बात बता रहे, और ये देख लेना आएगा, तुम लोग नोट कर ले अभी, ठीक है। तो यही चीज बोले हैं, ये इसको मार कर ले जरा सा। अब भैया वापिस आ जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख रहे थे आप, तो देख लेते हैं यहाँ पे कॉपर पे, कार्बन पे, सल्फर पे, फॉस्फोरस पे क्या क्या है, देख ले, रिएक्शन याद कर ले। तो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोर है फॉस्फोरिक एसिड बना। यहाँ पे क्या बना? फॉस्फोरिक एसिड बना। भैया यहाँ पे एसिड क्यों नहीं बना? हाँ बनेगा, बट यही है कि वो अनस्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे आपका फॉस्फोरिक एसिड बना, H2O बना, और कौन सा गैस निकल रहा है? SO2 गैस निकल रहा है। बस सल्फर के साथ SO2 नहीं निकल रहा है, वहां भी निकल रहा है। तो एक काम करो, इसको इधर से हटा के इधर लिख लो ताकि तुमको याद रहे। और बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा सा इसका बैलेंसिंग पे। तो ये सब जगह पे तुमको रटना पड़ेगा, यहाँ पे कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसको पढ़ो, रटो, याद करके खत्म करो आज का है आज। अब इसके बाद एक ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, तो मेटल में तुमको दोनों का बता ही दिए, और ये आता है हर साल, आता है बार बार बता रहे, खासकर कॉपर का। क्यों? तुमको समझ में आ गया होगा क्यों। अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है हम बता देते हैं। तुम लोग इसके बाद मेटलर्जी पढ़ाएंगे और उसके बाद लास्ट केमिस्ट्री का एक चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव से बनता है, और इनऑर्गेनिक जो होता है बाद बाकी मेटल्स नॉन मेटल से बनता है, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे, तो क्या दे रहा है? आयोडीन, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दे रहे, तो क्या कर रहा है? सल्फर, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बुक में कहीं नहीं दिया है, बस यहीं पे आया है, और इसका कोई रटने का तरीका नहीं है। यहाँ पे तुम लोग देखो सिंपल सा रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका हाइड्रोजन हट गया। तुमको पता है ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है? नॉट ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक और डेफिनेशन क्या होता है बताओ तो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया हट के? आयोडीन और सल्फर बनाया। तो बात बाकी देख ले यहाँ पे, क्योंकि इसका रिमूवल हो गया इसीलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया भैया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, तुम लोग इस चीज को लिख भी ले तो नीचे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जो कि क्या है? ऑक्सीडेशन, जो कि क्या है? ऑक्सीडेशन। ऐसे करके दिखाना, एरो देखे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे देख, ठीक है,
यहाँ पे इसका रिमूवल हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम तुमको दिखाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलो देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं ये इस चैप्टर में बस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी किसके बेसिस पे, नॉन वोलेटाइल नेचर हम पढ़ा दिए तुमको, उसके पहले एसिडिक नेचर पढ़ाए, अभी पढ़ा रहे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसके बाद पढ़ाएंगे डिहाइड्रेटिंग नेचर। बस अभी यहाँ पे हम किसको किसको ऑक्सीडाइज किए, नॉन मेटल को, मेटल को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो चलो देखो यहाँ पे जो कि किसके अंडर आने वाला है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के अंदर आने वाला है। ये वाला पेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पेज को तुम लोग एकदम स्टार मार्क कर लो, इस पेज से तुम लोग को क्वेश्चन आना ही आना। रेटिंग नेचर लास्ट बस, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके एसिडिक नेचर जो सबसे पहला स्टार्टिंग में पढ़े आज, दूसरा पढ़े क्या भैया, दूसरा पढ़े हम लोग उसका दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या चीज के बारे में, नॉन वोलेटाइल नेचर के बारे में। तीसरा पढ़े ऑक्सीडाइजिंग नेचर जिसकी मेटल नॉन मेटल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखाया, और लास्ट दिखाना चाह रहे डिहाइड्रेटिंग नेचर किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, हाइड्रेटेड सॉल्ट में। देख है कितना इजी सा चीज, बस तुम लोग ये चीज को पकड़ लो तो क्या कि भैया यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है वो उसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये समझो। तो पहले तो ये समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम पहले दिन भी तुम लोग को ये बात बताए, ड्राइंग एजेंट जो होता है और डिहाइड्रेटिंग जो होता है, दोनों का दोनों क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। बट अंतर क्या है, ड्राइंग एजेंट का जो है, पहले भी अगर मान लीजिए ये एक्स कंपाउंड था, बाद में भी ये एक्स रहेगा, लेकिन डिहाइड्रेटिंग में क्या होता है, अगर ये एक्स था, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद भैया ये वाई बन गया, तो ये फिजिकल चेंज लाया। ये कैसा चेंज लाया, फिजिकल, लेकिन ये कैसा चेंज लाता है, केमिकल चेंज। तो डिहाइड्रेटिंग का मतलब भैया क्या होगा, मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करेगा ही, कंपाउंड ही बदल देगा, ठीक है, ये केमिकल चेंज लेके आता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम अलग अलग कंपाउंड का नाम बताएंगे, ध्यान देना क्योंकि ये नाम ही देगा तुमको, तुमको ये नहीं बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मतलब कि C6H12O6 रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तुमको बोलेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब बहुत बच्चा क्या करता है, और एक गलती सुनो भैया, यहाँ पे आप बोले C6H12O6 को रिएक्ट कराए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये तुरंत गलत हो गया, ठीक है। कारण क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है ना, वो भैया यहाँ पे सिर्फ उसका काम यही है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टेंट के नहीं, वो एरो के ऊपर आएगा वो। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये क्या करेगा भैया, इसका पानी खींच लेगा। देखो हम यहाँ ब्लू कलर से दिखाना चाहते, तुम लोग भी अपने बुक में ब्लू कलर, ब्लू नहीं तो कम से कम पेंसिल से मार्क कर लो कि इसका पानी, अगर पानी हटा दे तो देखो तो जरा सा यहाँ पे भैया कार्बन अलग हो गया और पानी अलग हो गया, ठीक है। अब बैलेंस करना है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं भैया, 6 कार्बन था लगा दीजिए 6, 12 हाइड्रोजन है ना लगा दीजिए इसके आगे 6, देखिए बैलेंस हो गया। तो C6H12O6 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड होने पे कार्बन प्लस क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, कार्बन प्लस क्या दे रहा है, वाटर, वो उसका क्या खींच लिया, पानी खींच लिया। तो ऐसे करके दिखाना, ये ब्लू वाला जो दिखाएं तुम लोग अपने बुक में कर ले कि कभी भी पढ़ेगा तो याद रहेगा। दूसरा है केन सुगर, गन्ना जो होता है ना, गन्ना जो चीनी बनता है वही सुक्रोज, ठीक है, केन सुगर, उसमें भी देखो जब डाले सेम, बस उसका क्या डबल हो गया भैया, 6 12 हो गया, 12 बस 22 हो गया और 6 11 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी वही सेम रिजल्ट दे रहा है, कार्बन प्लस वाटर, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी सेम वही चीज हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के कारण उसका क्या खींच लिया, मॉइस्चर खींच लिया, क्या खींच लिया उसका, मॉइस्चर खींच लिया। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर आता है सेलुलोज, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स में, जोसेफ में तो बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पे ये जो n दिखा रहा है, ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ क्या है, वेरिएबल अमाउंट दिखा रहा है। तो इसमें देख ले, ये भी कार्बन दे रहा है और क्या दे रहा है, वाटर। तो तीनों में देखिए भैया पानी खींच लिया, क्योंकि तीनों सेम कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कर रहे हैं हम, पानी को हटा दे रहे, तो बच क्या रहा है, कार्बन बच रहा है, क्या बच रहा है, कार्बन। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर ये तीन को देखो, तुम्हारा पीछे तुम जाओगे तो तुमको दिखेगा ये सब दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर्मिक एसिड, ये तुम्हारा इस चैप्टर में भी और ऑर्गेनिक एसिड में भी है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हुआ FeOH, जैसे अभी करेंगे वैसे करके कर लेना बुक में। क्या कर रहे हैं अभी आप, ये देख
OH और H में डब्बा बना दे, बचा कौन अकेला, CO बचा, कौन बचा अकेला, CO। ऐसा क्यों किया भैया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग। तो ये करने का मतलब पानी को अलग कर दिए, पानी को अलग कर दिए तो खाली क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, अलग हो गया, पानी अलग हो गया। देखो तो प्रोडक्ट में क्या ये चीज पड़ा है, हाँ पड़ा है, तो देख तेरा इजी कर दिए याद करने के लिए, पानी को अलग कर रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड में देखो, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COH COOH। तो भैया इसमें भी पानी को अलग करना है क्या, हाँ करना है, इसमें भी हर जगह, प्रॉपर्टी बदलेगा नहीं। ये देख ऐसे करके डब्बा दे, एच ओ एच, ऊपर में क्या बच रहा है भैया, COO, मतलब क्या हुआ, CO2। नीचे में क्या बच रहा है, CO बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है, CO बच रहा है, तो CO और CO2, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बना, CO और CO2। और भैया पानी भी तो आप अलग किए, देख लीजिए हम जो बार बार बोल रहे हैं, प्लीज ये कर लेना, तुम्हारे को रिएक्शन याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा। लास्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इथेनॉल का, यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे अल्कोहल इज कन्वर्टिंग इनटू एल्कीन, अल्कोहल ग्रुप एल्कीन में चेंज हो जा रहा है। अभी तो तुमको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, बस यहाँ पे लिख ले इसके नीचे, अल्कोहल को अगर हमको एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। अब भैया यहाँ पे कैसे रिएक्शन करें, तो देखो हम बताते हैं, यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो कैसे बन रहा है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको, C2H5OH, इसको हम पूरा खोल देते हैं, खोल देने का मतलब क्या हुआ, इसको ब्रांच कर देते हैं, कार्बन कार्बन OH, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब यहाँ पे देखो और एक बचा हुआ है ये, अब भैया इसमें आप क्या डाले हो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो ना, ठीक है लीजिए डाल देते हम भी H2SO4। तो देख ये H और ये OH इसका गायब करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया पानी अलग कर देगा वो, हाँ कर दे, ले कर दी हम भी, H2 अलग बचा, क्या है यहाँ पे बचा भैया, 2 कार्बन और 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन जो बचा, H2 इसको दे दिए और H2 इसको दे दिए। अभी भी कार्बन का 4 हाथ होता है, मतलब कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो भैया आप देखो इसका 2 हाथ तो आप हाइड्रोजन को दे दिए, 1 हाथ कार्बन को दे दिए, 1 हाथ अभी भी खाली है, तो यहाँ पे ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, कैसा बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड। तो ये जो है इसी को क्या बुला रहे, C2H4 बुला रहे, इसी को क्या बुला रहे, C2H4। इसको और अच्छे से समझाएंगे जब हम तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, अभी बस इतना सा समझाने का है कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो पानी को निकाल दे रहे हैं तो देख क्या बच रहा है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, हो गया कहानी मेरा यहीं पे खत्म। लेकिन हम तुमको रिएक्शन इसलिए दिखा दिए कि डबल बॉन्ड बनाया, ये अल्कीन एक कंपाउंड होता है, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, तो देख ले यहाँ पे। और ये सब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व का, ठीक है। और दूसरा चीज है यहाँ पे देखो लास्ट क्या बचा वो देख लो, लास्ट बचा क्या कि जब भैया कॉपर सल्फेट में डालेंगे, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4.5H2। तो भैया ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी क्या करता है, हटा देता है, तो ठीक है हटा दे इसका पानी, क्या बचेगा, CuSO4+5H2O। कलर चेंज हो जाएगा, पता है ये पानी का टेस्ट देता है, याद करो कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, और ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ तो, अरे लिखा हुआ है, ये ब्लू यहाँ लिखा हुआ है और व्हाइट यहाँ लिखा हुआ है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कॉपर सल्फेट इज एड, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो तुम लोग लिखोगे द ब्लू कलर चेंजेस इनटू व्हाइट कलर, वहां पे क्या बनाता है वो, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस हो जाता है, हाइड्रेटेड से क्या हो जाता है, एनहाइड्रेटेड हो जाता है। ये सब क्वेश्चन है पीछे में, हम बार बार बता रहे हैं। और एक तो ये देख ये वाला क्या है भैया, तो ये हम आपको ऊपर ही बताए थे कि जब हम लोग यहाँ पे ये डालते हैं टेस्ट फॉर, सॉरी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू सुगर, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी बता रहा है, यहाँ पे क्या बनता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व का भी ये भी क्वेश्चन है, ये मार्क करो जरा सा तुम लोग, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन बनता है ये, ठीक है ये बस मार्क करना है। स्टीम इज सीन टू बी वॉल्ड, उसका कोई मतलब नहीं है, तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आएगा तुमको ऐसे करके कि क्रिस्टल्स ऑफ सुगर में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे क्या होगा, तो तुमको बताना पड़ेगा ब्लैक मास ऑफ क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, और कुछ भी नहीं है, खत्म कहानी।
बस इतना ही था। अब बस लास्ट बचा तुम्हारा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट। ठीक है, तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो हम पहला टेस्ट तो तुमको पीछे ही बताए कि देख यहाँ पे कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे जबकि नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिए, कंसेंट्रेटेड क्या निकाला, SO2। अब SO2 को क्या चीज में देखेंगे, क्या लिखता है यहाँ पे देखो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से किस कलर में चेंज कर देता है, ग्रीन कलर में। आ गया वही चीज। अब दूसरा रिएक्शन भी क्यों दिया है, दूसरा रिएक्शन में ये दिखाना चाहता है कि NaCl को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं 200 डिग्री से कम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी निकलेगा जब ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेस्ट करना पड़ेगा, तुम लोग बताओ मेरे को, HCl का टेस्ट और अमोनिया का टेस्ट दोनों का टेस्ट एक ही है, क्या है कोई बताओ मेरे को, HCl और अमोनिया का टेस्ट सॉल्यूशन में डिप कर, क्या बोला डेनियल, और व्हाइट फ्यूम ऑफ, वेरी गुड डेनियल, डेंस व्हाइट फ्यूम सॉल्यूशन है भैया। व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया इज ब्रॉट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स, और अमोनिया के पास लाएंगे हाइड्रोक्लोरिक तब भी वो क्या देगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स देगा। तो ये चीज ध्यान देना, ये HCl का टेस्ट है, लेकिन HCl का टेस्ट किसका टेस्ट दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट दे रहा है। तो ये दो चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या है, एक लास्ट चीज बचा है, क्या वो देख ले, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो डबल डिकम्पोजिशन, यहाँ डेनियल, डेनियल और सिबू और इसको भेज दें, अर्चित और नयन। ठीक है, तो ए प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, दोनों दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लिया। डेनियल बोला हम सिबू के साथ नहीं जाएंगे, वो अर्चित के साथ चला गया, और नयन जो है वो सिबू के साथ चला गया। दोनों अपना क्या किया, पार्टनर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे इसको ऐसे टाइप को क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज करना है तुमको। चलो देखो तो एक बार क्या होगा, भैया देखिए यहाँ पे BaCl2 का जो है, Ba चला गया सल्फेट के साथ, H चला गया Cl के साथ। तो Ba सल्फेट के साथ चला गया, तो भैया Ba का वैलेंसी 2 प्लस, सल्फेट का वैलेंसी 2 माइनस, 2-2 कट गया, क्या बन गया, BaSO4 बन गया। भैया BaSO4 जो है ना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, हाँ देता है, तो देख ले यहाँ BaSO4 बन गया। सेम नीचे भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, डबल डिकम्पोजिशन, लेड चला गया सल्फेट के साथ, नाइट्रेट चला गया हाइड्रोजन के साथ, तो वहां पे बन जाएगा नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रिक, और ऊपर क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पे यही चीज दिखाना चाहता है कि दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, दोनों में कैसा कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो पहले तो ये रिएक्शन ध्यान देना, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने थे। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है वो देख, लिखता क्या है, PbSO4 इज इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर। PbSO4 जो है ये जो यहाँ पे बना है PbSO4, ये हॉट वाटर में इनसॉल्युबल है, इन डाइल्यूट H2SO4 एंड हेंस गिव्स ए व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इनसॉल्युबल है तभी ना प्रेसिपिटेट बना रहा है, हाँ। तो डाइल्यूट HCl इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, बट जो ये HCl है वो सॉल्युबल है हॉट वाटर में, जो कि H2SO4 एंड HCl कैन हेंस बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो क्या बोला कि हम तुमको दो एसिड देते हैं, एक HCl और एक H2SO4 देते हैं, तो तुम कैसे दोनों में आइडेंटिफाई करोगे। तो तुमको यहाँ पे यही बता रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्रेसिपिटेट बनाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि द गिवन एसिड इज HCl और द गिवन एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट बनाता है और HCl प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है तुम्हारा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश डाइल्यूट H2SO4 फ्रॉम HCl एंड नाइट्रिक एसिड। तो वही चीज है जो अभी बताएं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो तुम लोग यहाँ पे देखो क्या बताया, बेरियम किसके साथ रिएक्ट करा रहे, सल्फ्यूरिक एसिड। तुम लोग देख सकता है ऊपर कि यहाँ पे ये क्या बनाया, ये BSO4 बनाया, ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये बात जो बोला ये यहाँ पे दिया हुआ है। बट व्हेन डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है BaCl2 को, देख ले यहाँ पे सब बचा, अगर ये HCl के साथ रिएक्ट करता या बेरियम क्लोराइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता, नो व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है भैया, सिंस BaCl2 एंड BaNO3 होल्ड टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए भैया प्रोडक्ट क्या बनता, BaCl2 बनता और HCl बन जाता, यहाँ बन जाता, ये रिएक्शन लिख लो, यहाँ नहीं दिया हुआ है, BaNO3 होल्ड टू प्लस HCl बन जाता।
तो भैया यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट बन रहा है। सिंस बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट आर सोल्यूबल, ये भैया प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, ये क्या है, सोल्यूबल। बट यहाँ पे जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये देता है BaSO4, जो कि एक क्या बना लेता है, जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है, और साथ में क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। तो ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है, ये सोल्यूबल है लेकिन ये इनसोल्यूबल है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये सब जो बताएं अभी ये बात ध्यान रखना, ये बताना चाह रहा है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी थ्री एसिड्स, तो तीनों एसिड में पहचाना है ये ध्यान रखना। H2SO4 जो होता है प्रेसिपिटेट देता है व्हाइट कलर का, बट ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं देता, ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं देता है, ठीक है। तो आज का भी वीडियो भेज देंगे हम तुम लोग को, लेकिन प्लीज तुम लोग भी पढ़ा कर,